वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से हम लोग जानेंगे बर्बन विस्कीज के बारे में। अच्छा, बर्बन का नाम जैसे हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है कि ये अमेरिकन विस्की है। अच्छा, अमेरिका में बहुत तरीके का विस्की बनते हैं, क्या सब विस्कीज को हम लोग बर्बन बोल सकते हैं? जी नहीं, अमेरिका में वैरायटी ऑफ विस्कीज बनते हैं। जैसे कि ये देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास दो विस्की है, एक है जिम बीम और एक है जैक डेनियल। ये दोनों ही अमेरिकन विस्की है। बट नोटिस कीजिए कि यहाँ पर लिखा है बर्बन, बट जैक डेनियल में कहीं भी बर्बन नहीं है, बल्कि लिखा है टेनेसी। इसका मतलब ये हुआ दोनों अमेरिकन विस्की हैं, फिर भी हम पर्टिकुलर जैक डेनियल को बर्बन नहीं पुकार पा रहे हैं या बर्बन बोलकर बुला नहीं सकते हैं। ये डिफरेंसेस कैसे हो जाता है, क्या नियम है बर्बन बनाने का, बर्बन क्यों अलग है, बर्बन क्या अमेरिका का सारा विस्की को हम लोग बर्बन बुला सकते हैं? ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप एक ट्रूली बर्बन लवर है तो ये वीडियो देखिए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू आर अ ड्रिंक एंथुसियास्ट देन यू मस्ट जॉइन आवर 10 डेज ऑनलाइन बारटेंडिंग कोर्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चलिए मिलते हैं कोर्स। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पहले ही मैं आपको आंसर दूंगा और आंसर में आपको पहले समझना होगा बर्बन विस्की किसको बोला जाता है। अगर आप देखेंगे अमेरिका में तो वैरायटी ऑफ विस्कीज अमेरिका में बनते हैं, सिर्फ बर्बन नहीं बनते हैं। जैसे कि राई विस्की है, मेजी विस्की है, कॉर्न विस्की है, साथ साथ सिंगल मॉल्ट है, ब्लेंडेड है, सिंगल ग्रेन विस्की है, ऐसे बहुत वैरायटी ऑफ विस्कीज बनते हैं और उनमें से एक विस्की है जिसको हम लोग बोलते हैं बर्बन विस्की। अच्छा, तो फिर हम लोग उसको क्यों बर्बन बोलते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कुछ नियम जिसको फॉलो करके इस पर्टिकुलर विस्की को बनाए जाते हैं। अगर वो नियम आप फॉलो करके बनाते हो तब जाके आप उसको बर्बन विस्की बोल सकते हो। नाउ, हम में से बहुत बंदे हैं जो अक्सर सोचते हैं कि बर्बन मतलब एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन है और एक सर्टेन एरिया में ही बनाना चाहिए उस पर्टिकुलर विस्की को। तो मैं आपको बोल दूं कि ये गलत फहमियाँ हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। बर्बन एक रीजन है, एक जगह है, अमेरिका में एक जगह है जिसको बोलते हैं बर्बन काउंटी केंटकी, और उस एरिया में ही मोस्टली मतलब 90% ऑफ बर्बन उसके बनते हैं। तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि शायद केंटकी रीजन में बनेगा तब जाके उसको हम लोग बर्बन उसके बोल सकेंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका का कोई भी कॉर्नर में, कोई भी जगह पे आप बर्बन विस्की को बना के अपना बॉटल के ऊपर बर्बन विस्की लिख सकते हैं। खाली इतना याद रखना है कि आपको वो जो रूल है बर्बन का वो फॉलो करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर वो रूल क्या है, कौन सा रूल को अप्लाई करके बर्बन विस्की को बनाए जाते हैं और वो स्कॉच विस्की से कैसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताऊंगा और वो है ए बी सी डी ई एफ जी। और ये जो ए बी सी डी ई एफ जी, इसको अगर आप समझ लेंगे तो बड़ी आराम से आप समझ जाएंगे कि क्यों बर्बन विस्की स्कॉच विस्की से बिल्कुल अलग है, क्यों बर्बन विस्की इतना यूनिक है, इतना डिलीशियस है और क्या क्या क्राइटेरिया को अप्लाई किए जाते हैं बर्बन विस्की को बनाने के टाइम पे। तो चलिए ए से शुरू करते हैं, मतलब अमेरिकन मेड। जी हाँ, ये बर्बन विस्की अमेरिका में ही बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में केंटकी शहर में ही बनेगा, ये कहीं भी बन सकता है। जैसे कि आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई बर्बन विस्की केंटकी शहर में बना है तो बॉटल में आपको वो दिख जाता है। जैसे मेरे पास जिम बीम है, आप बॉटल को पढ़िएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा है केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्की। इसका मतलब ये है कि ये विस्की केंटकी रीजन मतलब बर्बन काउंटी केंटकी रीजन में बना है, इसलिए ये लिखा है। अगर ये केंटकी रीजन में नहीं बनता, अमेरिका का कोई भी कॉर्नर में बनता, तब जाके वो केंटकी ये जो वर्ड है ये नहीं लिख पाता। चलिए बी के बारे में बात करते हैं। बी मतलब बैरल। यस, बैरल मतलब फ्रेश ओक, अमेरिकन व्हाइट ओक बैरल। जी हाँ, ये देखिए ऐसे ही कुछ बैरल्स में विस्की को मैच्योर किया जाता है, बट यहाँ पर बर्बन विस्की को बनाने के लिए फ्रेश ओक बैरल चाहिए। अब फ्रेश का मतलब क्या है?
यूजुअली स्कॉटलैंड में जो बैरल को स्कॉटिश डिस्टिलर यूज करते हैं वो अमेरिका ऑलरेडी यूज कर चुका है और एम्प्टी करके भेज दिया है स्कॉटलैंड में, तो उसको बोलता है यूज्ड बैरल। बट यहाँ पर मतलब बर्बन उसके बनाने के लिए आपको फ्रेश चार्ड ओक बैरल चाहिए, मतलब अंदरूनी जो हिस्सा है बैरल का उसको जलाया जाता है और फ्रेश ओक बैरल को इस्तेमाल करते हैं और इसको मैच्योर करते हैं बर्बन डिस्टिलरीज। और जब बर्बन उसके को यहाँ से निकाल लेते हैं तब ये बैरल स्कॉटलैंड में सेल कर देते हैं, दोबारा यूज नहीं करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं आपको बता दूं कि स्कॉटिश डिस्टिलरीज अक्सर स्कॉच व्हिस्की को बनाने के लिए कभी कभी यू नो सेकेंड हैंड जो बैरल यूज करते हैं उनमें से शेरी, पोर्ट या रम बैरल को भी यूज करते हैं, बट बर्बन उसकी कभी भी वो सब बैरल यूज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश व्हाइट ओक बैरल को ही इस्तेमाल करते हैं। क्या हुआ यार, आजकल आप लोग लाइक नहीं करते हैं? एक लाइक कर दीजिए ना अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। हाँ, और सब्सक्राइब भी। नाउ सी, सी का मतलब है कॉर्न। जी हाँ, बर्बन व्हिस्की में मैक्सिमम कॉर्न को इस्तेमाल की जाती है और अकॉर्डिंग टू बर्बन क्राइटेरिया अगर आप बर्बन व्हिस्की बना रहे हो तो आपको 51% से भी ज़्यादा कॉर्न को इस्तेमाल करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर व्हिस्की को बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप बर्बन व्हिस्की को पियेंगे आप जानेंगे कि इसके अंदर में 51 और उससे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कॉर्न्स है, मतलब मकई है, भुट्टा है। अदर ग्रेन को भी इस्तेमाल की जाती है, कभी कभी कॉर्न को 80% तक यूज़ किए जाते हैं, बट डिपेंड करता है। अदर ग्रेन का अगर बात करूँ तो कॉर्न के अलावा राई और यू नो माल्टेड बार्ली या कभी कभी मेज को भी इस्तेमाल की जाती है इस व्हिस्की को बनाने के लिए। बट जितना भी मिलाओ एक चीज़ याद रखना होगा कि मैक्सिमम कॉर्न होना चाहिए, एटलीस्ट 51% और उससे ऊपर तो बहुत अच्छा। नाउ डी, डी मतलब डिस्टिल्स नॉट मोर देन 160 proof। जी हाँ, जब भी कोई अल्कोहल को हम लोग यू नो डिस्टिल करते हैं तो उसका जो ABV है, अल्कोहल बाय वॉल्यूम, जो बॉटल के पीछे लिखा रहता है ना 42.8% अल्कोहल बाय वॉल्यूम, तो जब भी हम लोग डिस्टिल करते हैं तो डिस्टिलरी चाहता है कि मैक्सिमम और हाई प्रूफ में डिस्टिल करें सो दैट उसको बहुत सारा अल्कोहल मिले और उसके बाद उसको डाइल्यूट करके मैक्सिमम रेवेन्यू कमा सके। जैसे कोई कोई डिस्टिलरीज हैं व्हिस्की को जब डिस्टिल करते हैं तो 90 और 96 तक लेकर जाते हैं अल्कोहल वॉल्यूम को और उसके बाद उसमें वाटर डाउन करके 42.8 करके आपको बेचते हैं। बट इससे होता क्या है, अगर आप हाई प्रूफ में अल्कोहल को डिस्टिल करेंगे तो यू नो व्हिस्की का जो कैरेक्टर है, नुअंस कैरेक्टर, फ्लेवर, वो गायब हो जाता है। सो बर्बन डिस्टिलरी ये बिल्कुल चाहते नहीं है, इसीलिए एक नियम बांधा गया है कि आप जब व्हिस्की को डिस्टिल करेंगे तो व्हिस्की का जो अल्कोहल परसेंटेज होगा वो 80 तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, अगर जाता है तब वो बर्बन नहीं कहलाएगा। नाउ ई, ई का मतलब भी समझ लीजिए, इसका मतलब एंटर्ड इन द बैरल नॉट मोर देन 62.5% अल्कोहल। जी हाँ, जब भी व्हिस्कीज को बनाए जाते हैं तब उसका जो परसेंटेज है काफ़ी हाई रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ डिस्टिलरीज है जो व्हिस्की का जो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है वो 90 और मोर देन 90% रहते हैं, तो उसको वाटर डाइल्यूट करने के बाद फिर इन सब बैरल के अंदर में डाल के एज करते हैं। बट बर्बन में एक रूल है और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और वो है कि आप जब बैरल में वो जो रॉ व्हिस्कीज को डाल रहे हो एज करने के लिए तब उसका जो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रहेगा वो 62.5% रहेगा, 62.5% से ज़्यादा नहीं होगा। इससे होता क्या है, अगर आप हाई प्रूफ अल्कोहल को अंदर में डालते हैं तो ये जो रिएक्ट करता है वो बहुत नेगेटिव रिएक्ट करता है जो बर्बन डिस्टिलरीज नहीं चाहते हैं, तो इसलिए एक मापदंड दिया गया है कि आपको अगर व्हिस्की को मैच्योर करना है तो उसका जो परसेंटेज लेवल होगा वो मैक्सिमम 62.5 होगा और उससे ज़्यादा नहीं होगा और उसके बाद आप मैच्योर करो और उसके बाद आप फिर व्हिस्की को निकालो और डाइल्यूट करके 40 तक लेकर आओ, क्योंकि 40% अल्कोहल ही तो हम लोगों को व्हिस्की में मिलते हैं, 62.5 तो नहीं मिलते हैं ना। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं एफ की तरफ। एफ मतलब फिल द बॉटल एटलीस्ट 80 प्रूफ, मतलब कोई भी बर्बन व्हिस्की आप देख लीजिएगा
तो उसमें जो मिनिमम अल्कोहल बाय वॉल्यूम रहेगा वो 40% ही रहेगा, उससे ज़्यादा हो सकता है बट उससे कम नहीं होगा। मिनिमम 40 मानकर हर कोई बॉटल करते हैं बर्बन को। नाउ लास्ट पॉइंट वो है जी, जेन्युइन। जी हाँ, इसमें कोई कलरिंग सब्सटेंस एंड फ्लेवरिंग सब्सटेंस को नहीं मिलाया जाता है और इसीलिए इसको बर्बन कहा जाता है। जी हाँ, ये विस्की में कोई एडिशनल कलर को नहीं मिलाया गया है और कोई एडिशनल एडिटिव्स को नहीं मिलाया गया है। अक्सर स्कॉच विस्कीज में आप देखे होंगे कि 150A नेचुरल कलर और न्यूट्रल कलर को मिलाया जाता है स्कॉच विस्की को बनाने के लिए, बट बर्बन में कभी भी कलर को इस्तेमाल नहीं किया जाता। इवन कोई भी फ्लेवरिंग सब्सटेंस या अदर कुछ भी इस्तेमाल या मिलाया नहीं जाता है और इसीलिए ये बर्बन विस्की है। अगर किसी ने कुछ मिला दिया या ये रूल बुक को फॉलो नहीं किया तो फिर वो बर्बन नहीं लिख सकता है अपना बॉटल में। और ठीक ऐसा ही कुछ होता है जैक डेनियल के साथ। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि ये अमेरिकन हुस्की होकर भी इसको हम लोग बर्बन हुस्की नहीं बोल सकते, क्योंकि जैक डेनियल हुस्की को जब बनाते हैं तो बर्बन का जितने भी नियम है सबको फॉलो करके बनाते हैं, बट एट द एंड जैक डेनियल इस पर्टिकुलर हुस्की को मैपल चारकोल थ्रू फिल्टर करते हैं और वैसा करने के कारण जैक डेनियल काफ़ी मेलो बन जाते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड बहुत डिलीशियस बन जाते हैं। बट उसके साथ साथ बर्बन विस्की का जो रूल है उसको फॉलो ना करने के कारण बर्बन बुक में ये नहीं लिख सकता है अपने ऊपर ये बर्बन विस्की है, इसीलिए जैक डेनियल लिखता है टेनेसी विस्की। तो आप आज इस वीडियो से जान गए हैं कि बर्बन विस्की क्या है, कौन कौन सा रूल को अप्लाई करने के बाद बर्बन उसकी बर्बन बनते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।